आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जेवी आईफोन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या जेवी आईफोन का क्या पर्पज होता है, क्या वो चाइना के मोबाइल होते हैं। आपके जहन और गुमान में जो भी सवाल हैं जेवी मोबाइल के मुतालिक, आज की इस वीडियो में मैं आपको जाना फुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिंपल सी विदात बयान कर दूँ, जो कि नॉन पीटीए मोबाइल होते हैं वो उन पे जो है ना आप सिम चला सकते हैं, जो कि जेवी मोबाइल होते हैं आप उन पे जो है ना सिम नहीं चला सकते। सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका है कि आप जेवी मोबाइल पे जो है ना सिम नहीं चला सकते। अगर आप अपने जेवी मोबाइल पे सिम चलाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक चिप बाय करनी पड़ती है और उस पर आपको जो है ना सिम सेट करके लगानी पड़ती है। पैसों के मुतालिक अगर कॉस्टली देखा जाए तो जेवी मोबाइल आपको सस्ते पड़ जाते हैं और नॉन पीटीए मोबाइल और पीटीए अप्रूव मोबाइल आपको महंगे पड़ जाते हैं। जेवी मोबाइल सस्ते होते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल मोबाइल होते हैं, आईफोन के मोबाइल होते हैं, कोई फेक नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता। सिर्फ जेवी का ये फंडा होता है कि ये जो है ना सिम चलाने के लिए नहीं होते। अगर आप इन जेवी मोबाइल पर सिम चलाना चाहते हैं तो आपको एक अलग से चिप बाय करनी पड़ती है, जिसकी मदद से आप अपनी सिम वगैरह जो है ना जेवी मोबाइल पे चला सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नॉन पीटीए है या जेवी मोबाइल है? सो इसे चेक करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होता है, अपने आईफोन की सेटिंग पे चले जाना होता है, उसके बाद अबाउट पे चले जाएं, उसके बाद नीचे नीचे आपको जो है ना नेटवर्क प्रोवाइडर का ऑप्शन मिलता है। नेटवर्क प्रोवाइडर के नीचे अगर नो सिम रिस्ट्रिक्शन आ रहा हो तो समझे आपका मोबाइल नॉन पीटीए है, अगर सिम लॉक आ रहा होगा तो वो समझें कि जेवी मोबाइल है। यानी कि अब ये भी आपको वादे कर रहे होते हैं कि सिम लॉक वाले जो मोबाइल होते हैं, यानी कि जो सिम नहीं चलाते वो जेवी मोबाइल होते हैं। बाकी जेवी मोबाइल भी आईफोन होते हैं, 100% उसी तरीके से वर्क करते हैं। इनके लिए बस सिर्फ एक ये छोटी सी बात होती है कि आपको इन पे सिम चलाने के लिए एक चिप बाय करनी पड़ती है, जो कि चाइना ने यानी कि फर्स्ट टाइम बनाई थी और आईफोन पे जो है ना अब आपको देखने को मिलती है। जेवी मोबाइल अगर आपने नॉन पीटीए लेने हैं और अगर आपने सिम नहीं चलानी तो आप जेवी मोबाइल बाय किया करें। अगर बाद में आपको सिम भी चलानी पड़ती है तो आप जो है ना वो चिप बाय करके सिम चला सकते हैं, क्योंकि ये खर्चे में भी आपको जो है ना सस्ते पड़ते हैं, उससे भी 4-5 हज़ार नॉन पीटीए से आपको जो है ना ये सस्ते मिल जाते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।